हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जुरिस लीगल चेंबर्स। आई एम वंश नागपाल। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन होता क्या है, इसकी जरूरत क्या होती है एंड हु इज एन एक्सपर्ट, कितने टाइप्स के एक्सपर्ट होते हैं और एक एक्सपर्ट ओपिनियन के एविडेंशियल वैल्यू कितनी होती है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स या फिर अगर आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इंटरव्यू स्टेज पे एक्सपर्ट ओपिनियन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अलॉन्ग विद ऑल दिस वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट केस लॉज एंड जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट के, उन्हें भी आज की डेट में मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। लेट्स अंडरस्टैंड एक्सपर्ट ओपिनियन। जनरल रूल ये होता है कि कभी भी अगर किसी विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाता है, सच विटनेसेस आर एक्सपेक्टेड टू स्टेट द फैक्ट्स ओनली एंड नॉट टू फॉर्म एनी ओपिनियन। ऐसे विटनेसेस से सिर्फ ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो सिर्फ फैक्ट्स बोलेंगे, अपना कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं करेंगे। ओपिनियन फॉर्म करना कोर्ट का काम होता है, पर इस रूल की एक एक्सेप्शन है। जब भी किसी एक्सपर्ट को एज अ विटनेस बुलाया जाता है, ज्यादातर केसेस में एक्सपर्ट्स जो होते हैं उन्हें केसेस के फैक्ट्स भी नहीं पता होता, वो केसेस से किसी भी तरीके से रिलेट नहीं होते, उन्हें सिर्फ अपना एक प्रोफेशनल ओपिनियन बनाने के लिए बुलाया जाता है। इस प्रोफेशनल ओपिनियन को जिसे एक्सपर्ट्स बनाते हैं, इसे यूज करके कोर्ट आगे अपनी जजमेंट डिलीवर करते हैं। क्वेश्चन इज, इसकी जरूरत क्या होती है कि एक्सपर्ट ओपिनियन को लेना क्यों जरूरी होता है, व्हाई देयर इज नीड फॉर एन एक्सपर्ट ओपिनियन। ज्यादातर केसेस के अंदर कभी भी जज को सुपीरियर नॉलेज नहीं होती, जजेस को अपनी फील्ड में सिर्फ नॉलेज होती है। एक जनरल लेमैन को जितनी नॉलेज होती है उतनी उन्हें नॉलेज होती है, बट दे आर नॉट एक्सपेक्टेड कि उन्हें दुनिया भर की नॉलेज हो। काफी टेक्निकल फील्ड्स ऐसी होती है जहां पे जजेस को नॉलेज नहीं होती। सो ऐसे केसेस में कोर्ट एक्सपर्ट्स को बुलाती है हु आर सपोज टू हैव सुपीरियर नॉलेज और एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर। और ऐसे एक्सपर्ट्स को इवन दो दे आर नॉट रिलेटेड टू द केस, उनकी स्टेटमेंट, जस्ट बिकॉज उन्हें वो स्पेशल नॉलेज होती है, उनकी स्टेटमेंट एडमिसिबल हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कब ऐसे एक्सपर्ट ओपिनियन एडमिसिबल होते हैं। इसे समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट केस को समझते हैं, रामेश चंद्र अग्रवाल वर्सेस रिजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड 2009। इस केस में कोर्ट ने यह बोला था कि सबसे पहले ये एक्सपर्ट ओपिनियन एडमिसिबल है या नहीं है ये जानने के लिए हमें ऐसे एक्सपर्ट ओपिनियन को सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद हम ये टेस्ट करेंगे दैट whether it is outside the knowledge of knowledge and experience of layman। क्या ये मैटर जो है ये एक layman की नॉलेज और एक्सपीरियंस के बाहर की चीज है। अगर ऐसा होता है तभी उस एक्सपर्ट ओपिनियन को एडमिसिबल माना जाएगा। इसे समझने के लिए एक केस के मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। आर वर्सेस स्मिथ का केस था। इसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ को चाकू मारा था। जब हस्बैंड को ट्रायल मर्डर के लिए जब हस्बैंड को चार्ज किया गया, जब ट्रायल चल रहा था, हस्बैंड ने ये बोला कि मैं उस टाइम पे नींद में था, जब मैंने अपनी वाइफ को चाकू मारा उस टाइम पे मैं नींद में था एंड देयरफॉर आई शुड नॉट बी चार्ज फॉर मर्डर। तो यहाँ पे कोर्ट ने एक्सपर्ट को बुलाया ये जानने के लिए कि क्या कोई इंसान नींद में किसी को चाकू मार सकता है। अब इस केस के अंदर एक्सपर्ट का ओपिनियन जो होगा वो रेलिवेंट एविडेंस होगा एंड देयरफॉर इट विल बी एडमिसिबल। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट कौन होता है। सो ऐसा कोई भी इंसान जो अपना टाइम लगाता है या ऐसी कोई चीज पढ़ता है, ऐसी कोई नॉलेज को गेन करता है जो स्पेशल नॉलेज होती है जिसे सारे नहीं जानते। टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, एनी पर्सन हु पोजेस द नॉलेज और एक्सपीरियंस विच इज नॉट पोजेस्ड बाय मैनकाइंड इन जनरल, वो नॉलेज या एक्सपीरियंस जो ज्यादातर लोगों को नहीं होती, जो जनरल पब्लिक को नहीं होती, ऐसे नॉलेज को रखने वाले इंसान को हम एक्सपर्ट कह सकते हैं। सो एक्सपर्ट्स दो टाइप के होते हैं, पहला दोज हु आर मेड एक्सपर्ट बिकॉज ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड सेकेंड इज दोज हु आर मेड एक्सपर्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है। इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन या स्टैंडर्ड को सेट नहीं कर रखा कि आप इसके बाद ही एक्सपर्ट बन सकते हो। इंडियन एविडेंस एक्ट में सिर्फ एक टर्म यूज्ड है, स्पेशली स्किल्ड पर्सन। अ पर्सन कैन बी कॉल्ड स्पेशली स्किल्ड और पर्सन कैन बिकम स्पेशली स्किल्ड ओनली बाय प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन और बाय एक्सपीरियंस। इसे समझने के लिए एक केस को समझते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टम्स वर्सेस प्रताप राव सेठ 1972। इस केस के अंदर एक गोल्ड स्मिथ को, एक सुनार को एज एन एक्सपर्ट माना गया था।
सो जब कोर्ट ने यहां पे गोल्डस्मिथ को एक्सपर्ट बोला था, कोर्ट का ये मानना था दैट ये सुनार एक्सपर्ट है बिकॉज ऑफ हिज प्रैक्टिकल नॉलेज एंड हिज एक्सपीरियंस इन हिज फील्ड. इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 में ये स्टेट किया गया है दैट एन एक्सपर्ट इज द पर्सन हु पोजेस स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड्स ऑफ फॉरेन लॉ, सेकेंड साइंस एंड आर्ट्स, थर्ड आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग, फोर्थ आइडेंटिटी ऑफ फिंगर इंप्रेशन एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ दीज एक्सपर्ट्स. सो इसे समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट केस ऑफ तितली वर्सेस जोन्स 1934. ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस केस में फॉर द फर्स्ट टाइम ये डिस्कस किया गया था कि एक्सपर्ट का फंक्शन क्या होता है. सो इस केस में ये हैंड हुआ था दैट द रियल फंक्शन ऑफ एन एक्सपर्ट इज टू गैदर द मटेरियल्स अलोंग विद रीजंस जिससे वो उस कंक्लूजन पे पहुंचे एंड इस मटेरियल को आगे वो कोर्ट में दे एंड रीजनिंग को भी आगे कोर्ट में प्रोवाइड करे जिससे कोर्ट एक्सपर्ट ना होते हुए भी उस सब्जेक्ट मैटर में अपना ओपिनियन फॉर्म कर सके और अपनी जजमेंट पास कर सके. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट्स. जैसे कि हम पढ़ रहे, कोई भी इंसान जिसे एक स्पेशल नॉलेज होती है अपनी फील्ड में या किसी भी फील्ड में, उसे हम एक्सपर्ट कह सकते हैं. सो अ पुलिस ऑफिसर कैन बी टर्म्ड एज एक्सपर्ट, किसी डॉक्टर को, किसी लॉयर को, किसी प्रोफेसर को, यहां तक कि किसी डॉग ट्रेनर को भी एक्सपर्ट कहा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट मैटर. सो प्रैक्टिकली हम इन सारे एक्सपर्ट्स को तो नहीं कवर कर सकते, इन्हें सारे एक्सपर्ट्स के बारे में हम नहीं पढ़ सकते, बट आज की इस वीडियो में हम उन चार एक्सपर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें सबसे ज्यादा कोर्ट में बुलाया जाता है, विच आर मेडिकल एक्सपर्ट, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, फिंगर इंप्रेशन एक्सपर्ट एंड बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स. सो आइए इन्हें, इन चारों एक्सपर्ट्स को समझते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिकल एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट को तब बुलाया जाता है जब कभी कोई केस में मेडिकल टेक्निकलिटीज होती है. जब भी कोई कोर्ट में ऐसा केस होता है जिसमें मेडिकल टेक्निकलिटीज होती है, तब मेडिकल एक्सपर्ट के ओपिनियन के बेसिस पे आगे जजमेंट दी जाती है. सो काफी ऐसे केसेस होते हैं जहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन कराना एक्यूज और विक्टिम दोनों के लिए कंपलसरी होता है. मेडिकल एग्जामिनेशन से कोर्ट काफी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, फॉर एग्जांपल पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ विक्टिम, जिस केस में विक्टिम मर चुके हो, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ, या फिर कभी कोई डिजीज होती है देन व्हाट इज द कॉज और सिम्टम्स ऑफ डिजीज, उस डिजीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. सो ऐसी सारी इंफॉर्मेशन के लिए मेडिकल एक्सपर्ट की ओपिनियन के ऊपर कोर्ट रिलाई करते हैं. Forensic expert is the very appropriate example for medical expert. Moving on to our next expert, handwriting expert. Unlike any other experts, जहां पे सिर्फ एक expert को as an expert opinion देने के लिए बुलाया जा सकता है, handwriting expert में किसी भी इंसान को जो ऐसे इंसान को जानता है या फिर अपने personal या professional opinion में ऐसे किसी इंसान के हैंडराइटिंग को कंपेयर करता है या पहचानता है, या ऐसे किसी इंसान के हैंडराइटिंग या सिग्नेचर को वो मना करता है कि ये इस इंसान का नहीं है, तो उसे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बोल सकते हैं. इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 47 के अंदर काफी सारी कैटेगरीज एन्यूमरेट करी गई है जिन्हें एज हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बोला जा सकता है. ये सारी कैटेगरीज की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो यू कैन रेफर द डिस्क्रिप्शन. इसे ज्यादा अच्छे से समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड द केस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुखदेव सिंह 1992. इस केस के अंदर बेसिकली कोर्ट ने यह बोला था कि कभी भी अगर कोई कोर्ट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के ओपिनियन के बेसिस पे अपनी जजमेंट दे रहे होंगे तो उस कोर्ट में टोटल दो चीजों का ध्यान रखना है. पहला, जिस एविडेंस को एडमिट किया गया है, जिस हैंडराइटिंग को एडमिट किया गया है, वो एक्यूज की ही हैंडराइटिंग है. एंड सेकेंड, जिस भी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के ओपिनियन के बेसिस पे जजमेंट दी जा रही है, वो विटनेस जो है, वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट जो है, एक कॉम्पिटेंट, रिलायबल और एक डिपेंडेबल विटनेस हो. सो कंपैरेटिवली जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के ओपिनियन की एविडेंशियल वैल्यू होती है वो कम होती है. एविडेंशियल वैल्यू को अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सपर्ट, फिंगर इंप्रेशन एक्सपर्ट. सो जहां एक तरफ हैंडराइटिंग को एक वीक साइंस माना जाता है, फिंगरप्रिंट को एक परफेक्ट साइंस माना जाता है. कभी भी किसी फिंगर इंप्रेशन एक्सपर्ट के ओपिनियन के एविडेंशियल वैल्यू को किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के ओपिनियन के एविडेंशियल वैल्यू से ज्यादा माना जाएगा बिकॉज ऑफ टू रीजंस. पहला, किसी भी इंसान की बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक उसका फिंगर इंप्रेशन चेंज नहीं होता. एंड सेकेंड रीजन इज कि कोई भी दो लोगों का फिंगर इंप्रेशन एक जैसा नहीं हो सकता, जिससे किसी और के थंब प्रिंट की या फिंगर प्रिंट की या फुट प्रिंट की कॉपी नहीं हो सकती, उसे फोर्ज नहीं करा जा सकता.
एक फिंगर इंप्रेशन एक्सपर्ट सिर्फ तभी ओपिनियन दे सकता है जब उसके पास दो या दो से ज्यादा थंबप्रिंट्स हो या फिर इंप्रेशंस हो जिन्हें वो आपस में कंपेयर कर पाए। मूविंग ऑन टू अवर लास्ट टाइप ऑफ एक्सपर्ट्स, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स। सो कोई भी इंसान जो एक्सपर्ट होता है इन द स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल्स एंड फायर आर्म्स, उसे हम बैलिस्टिक एक्सपर्ट बोलते हैं। जहां भी कभी, अगर सिंपल वर्ड्स में समझना चाहे, जहां भी कभी गन्स इन्वॉल्व होती है तो वहां पे बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लिए जाते हैं। बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के थ्रू कोर्ट को ये समझ आ सकता है कि किस टाइप की गन से फायर किया गया था, राइट हैंड से फायर किया था, लेफ्ट हैंड से फायर किया था। यहां तक कि ये भी समझ आ सकता है कि जिस गन से फायर किया था उससे कितना फ्रीक्वेंटली फायर होता है, सो कितने डिस्टेंस से फायर किए, किसने फायर किया, ये सारी चीजें जानने के लिए कोर्ट बैलिस्टिक एक्सपर्ट के ओपिनियन पर रिलाई करती है। इसमें एक केस है मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1975, जहां ऐसे ही किसी केस में एक पिक्चर दिखा के एक एक्सपर्ट को बुलाया गया था। कोर्ट में खड़े होकर उस पिक्चर को देख के उस बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन दिया था, पर इस केस में कोर्ट ने यह बोला था कि जब तक कोई भी एक्सपर्ट एक डिटेल्ड रिपोर्ट अलॉन्ग विद रीजनिंग सबमिट नहीं करेगा, ऐसे सिर्फ एक मेयर ओपिनियन के बेसिस पे कोर्ट आगे अपना ओपिनियन नहीं बनाएगा, कोर्ट आगे इस बेसिस पे जजमेंट नहीं दे सकता। सो उस ओपिनियन को जो सिर्फ एक फोटो देख के दिया था विदाउट एनी एविडेंसेज एंड विदाउट एनी रीजनिंग, उसे कोर्ट ने डिस्कार्ड कर दिया था। मूविंग ऑन टू अवर लास्ट सब टॉपिक, एविडेंशरी वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। किसी भी एक्सपर्ट ओपिनियन की एविडेंशरी वैल्यू क्या होती है? सो अगर आप जुडिशियरी के प्रिपेयर कर रहे हैं या आगे करने वाले, तो वहां पे प्रीलिम्स में आपसे कभी भी अगर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज आइदर बेस्ड ऑन एनी लैंडमार्क जजमेंट या फिर वहां पे कोई इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन पूछा जाएगा। बट अगर आप इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचते हैं, इंटरव्यू स्टेज पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी भी एक्सपर्ट ओपिनियन में से आपके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन इट इज बेस्ड ऑन एविडेंशरी वैल्यू। आपसे कोई केस के फैक्ट्स बताए जाएंगे आपको, और उसमें आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन पूछा जाएगा, या कोई हाइपोथेटिकल केस आपके सामने रखा जाएगा जिसमें आपको एक्सपर्ट ओपिनियन को डिटरमिन करना होगा। तो एक्सपर्ट ओपिनियन को किस तरीके से कोर्ट डिटरमिन करता है, इसे जानने के लिए आप इस सब टॉपिक को एंड तक देखिए। किसी भी केस में एविडेंशरी वैल्यू क्या है एक्सपर्ट ओपिनियन की, इसे डिटरमिन करने के लिए हमें केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को जानना जरूरी होता है। बट जनरली टोटल तीन फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे एक एक्सपर्ट ओपिनियन के एविडेंशरी वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। पहला कि एक्सपर्ट को अपनी ओपिनियन पे कितना कॉन्फिडेंस है, कितना वो सर्टेन है उसके बारे में। सेकेंड, वॉट इज द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ दैट एक्सपर्ट। एंड थर्ड इज कि क्या वो एक्सपर्ट ओपिनियन बाकी एविडेंसेस से कोरोबोरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। आइए इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर इज कॉन्फिडेंस एंड सर्टेनिटी ऑफ एक्सपर्ट। द स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस पालीराम 1979 के केस में कोर्ट ने ये हेल्प किया था दैट नो पर्सन, नो एक्सपर्ट कैन बी एब्सोल्यूटली श्योर ऑफ हिज ओपिनियन। कोई भी एक्सपर्ट अपने ओपिनियन के लिए एब्सोल्यूटली श्योर नहीं हो सकता। जब भी कोई एक्सपर्ट अपना ओपिनियन फॉर्म करता है, इट इज बेस्ड ऑन द मटेरियल प्रोड्यूस बिफोर हिम एंड द क्वेश्चंस आस्क्ड टू हिम। तो कभी भी कोई भी एक्सपर्ट अगर अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा, तो वो मटेरियल जो उसके सामने पेश किया गया उसके बेसिस पे होगा, और जो क्वेश्चंस उससे पूछे गए उसके बेसिस पे होगा। सो कोई भी एक्सपर्ट अपने ओपिनियन पे कितना रिलाय कर रहा है, कितना उसके लिए सर्टेन है, दिस इज रेलिवेंट टू डिटरमिन दैट व्हाट शुड बी द एविडेंशरी वैल्यू ऑफ सच एक्सपर्ट ओपिनियन। सो सेकेंड फैक्टर इज बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट। कभी भी कोई एक्सपर्ट जो अपना ओपिनियन देता है, दैट ओपिनियन इज बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड फैक्ट्स विच आर स्टेटेड बाय सच एक्सपर्ट। तो कभी भी ऐसे एक्सपर्ट के ओपिनियन को जानने के लिए कि इसकी एविडेंशरी वैल्यू कितनी है, हम ये देखते हैं, कोर्ट ये देखता है कि ये ओपिनियन किन फैक्ट्स के बेसिस पे, किस रीजनिंग के बेसिस पे बेस किया गया है। जैसे कि हमने मोहन सिंह केस में भी पढ़ा था, जहां बैलिस्टिक एक्सपर्ट के ओपिनियन को डिस्कार्ड कर दिया गया था, जहां बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने कोई रीजनिंग नहीं दी थी। सो द मेन थिंग दैट कोर्ट ऑब्जर्व इज द रीजनिंग गिवन फॉर दैट ओपिनियन एंड नॉट द ओपिनियन। खाली ओपिनियन दिया जाएगा विदाउट एनी रीजनिंग, तो उसे कोर्ट डिस्कार्ड कर सकता है इवन व्हेन इट इज एडमिसिबल। मूविंग ऑन टू अवर लास्ट फैक्टर फॉर द डे, कोरोबोरेशन ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन विद अदर एविडेंसेस। सो एक्सपर्ट ओपिनियन की एविडेंशरी वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है, सिंस इट्स एन ओपिनियन एंड नॉट द फैक्ट। तो यहां पे इसकी एविडेंशरी वैल्यू कम रहेगी
जनरल केसेस के अंदर एक्सपर्ट ओपिनियन जब किसी और एविडेंस के साथ कोरोबोरेट किया जाता है तभी उसकी एविडेंशियल वैल्यू बढ़ती है। इसे समझने के लिए केस को समझते हैं, सकलाइन अहमद वर्सेस एम्परर 1936। इस केस में ये बोला था एक्सपर्ट ओपिनियन की एविडेंशियल वैल्यू कम होने के कारण इसे सिर्फ तब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इसके बेसिस पे कन्विक्शन सिर्फ तब हो पाएगी जब ये बाकी फैक्ट से कोरोबोरेट करे। हाउएवर यहाँ पे इन जनरल टर्म यूज है विच मीन स्पेशल केसेस में जब ये बाकी फैक्ट से कोरोबोरेट नहीं कर रहे होंगे तब भी इसे यूज किया जा सकता है। सो द क्वेश्चन इज अगर वो कोरोबोरेट नहीं करेगा, अगर वो एक्सपर्ट ओपिनियन बाकी एविडेंसेस से कोरोबोरेट नहीं करेगा तो उसका क्या करा जाएगा। मुरारी लाल वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी 1980 के केस में ये बोला गया था दैट जस्ट ऑन द मेयर ग्राउंड ऑफ इनकंसिस्टेंसी विद डायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस सच एक्सपर्ट ओपिनियन कैन नॉट बी डिस्कार्डेड। सिर्फ इसलिए कि वो डायरेक्ट या सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से वो एविडेंस कोरोबोरेट नहीं कर रहा, एक्सपर्ट ओपिनियन कोरोबोरेट नहीं कर रहा, एक्सपर्ट ओपिनियन को हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। नाउ द क्वेश्चन इज अगर कोई ऐसा एक्सपर्ट ओपिनियन किसी विटनेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट में होता है तो उस टाइम पे कोर्ट क्या करेगा। कोरोबोरेट ना करना इज डिफरेंट थिंग, बट अगर एक्सपर्ट ओपिनियन कुछ और सजेस्ट करे और विटनेस कुछ और सजेस्ट करे तो उस टाइम पे किसकी स्टेटमेंट को ज्यादा रिलायबल माना जाएगा, किसकी स्टेटमेंट को सही माना जाएगा। सिंस एन एक्सपर्ट ओपिनियन द एविडेंस गिवन बाय एन एक्सपर्ट इज जस्ट एन ओपिनियन, दूसरी तरफ विटनेस जो अपनी स्टेटमेंट देता है इट इज अ फैक्ट, तो हमेशा विटनेस की जो स्टेटमेंट होगी उसे ज्यादा रिलायबल माना जाएगा और कभी भी अगर ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट में होंगे तो विटनेस की स्टेटमेंट को सही माना जाएगा। देयर इज अ वेरी फेमस लाइन दैट ओपिनियन एविडेंस कैन नॉट सुपरसीड सब्सटेंटिव एविडेंस। एक ओपिनियन के बेसिस पे जिस एविडेंस को ड्रॉ किया गया है वो एक फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट को सुपरसीड नहीं कर सकता, तो कभी भी ऐसे आई विटनेस या फैक्चुअल विटनेसेस जो होते हैं उनकी स्टेटमेंट को हमेशा प्रेफर किया जाता है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन कन्विक्शन बी मेड ऑन द सोल बेसिस ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, क्या सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन के बेसिस पे कभी भी कन्विक्शन हो सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ राम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973। इस केस के अंदर एक बच्चे को एडक्ट कर लिया जाता है। एडक्टर्स जो होते हैं वो दो अनोनिमस लेटर्स भेजते हैं बच्चे की फैमिली को कि इतने पैसे दे दो तभी हम इस बच्चे को जिंदा छोड़ेंगे। अब यहाँ पे जब केस होता है, एक्यूज्ड को जब पकड़ा जाता है वहां पे सिर्फ जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की सोल टेस्टिमनी है सिर्फ उसके बेसिस पे एक्यूज्ड को कॉन्विक्ट किया जाता है। जैसे हमने डिस्कस किया था हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की एविडेंशियल वैल्यू जो होती है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के ओपिनियन की वो कंपैरेटिवली कम होती है। सो दिस केस इज इंपॉर्टेंट जहां पे सिर्फ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की सोल टेस्टिमनी के बेसिस पे एक एक्यूज को कॉन्विक्ट किया गया था। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ अ डे, व्हाट शुड बी द मैन ऑफ अपीयरेंस ऑफ एन एक्सपर्ट। कभी भी अगर कोई एक्सपर्ट कोर्ट में अपियर हो रहा होता है देन किस मैनर में ऐसे एक्सपर्ट को कोर्ट में अपियर होना होता है। अनलेस किसी एक्सपर्ट को ये बोला गया कि उसे फिजिकली प्रेजेंट होना है, वो एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट भी भेज सकते हैं या फिर किसी जूनियर को भी भेज सकते हैं हु इज वेल एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड द स्टडीज ऑफ रिपोर्ट। उन्हें हर बारी खुद फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं होती कोर्ट के अंदर। इसका एक लैंडमार्क केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल बी देसाई 2003। द केस इज अ लैंडमार्क जजमेंट बिकॉज इस केस में फर्स्ट टाइम एक विटनेस को अलाउ किया गया था कि वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कोर्ट में अपने स्टेटमेंट दे सके। सो इस केस में कोर्ट ने ये बोला था जस्ट ऑन द मेयर फैक्ट दैट द एविडेंस वॉज रिसीव बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसकी एविडेंशियल वैल्यू कम नहीं हो जाएगी, उसमें उसकी इक्वल एविडेंशियल वैल्यू होगी एंड इट विल बी एडमिसिबल। सो वी होप आपको आज की इस वीडियो का सारा कॉन्टेंट समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड जस्ट डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है जस्ट डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जिससे हमारी सारी वीडियोज के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।